हेलो दोस्तों, तो चलिए हम वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता रहे हैं कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि मैं आपको जगह जगह घुमाऊंगा बैरसिया की, हर एक जगह, गांव, खेड़े, सब जगह घुमाऊंगा मैं और बताऊंगा मैं। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अब हम हमारे काम पे निकले हुए हैं। ये हमारे छोटे वाले भाई हैं दोनों, तो हम जा रहे हैं। ये सब्सक्राइबर हैं, हाय करो भैया। ये और ये हमारे अंकल भाई हैं, और अभी हम निकल रहे हैं सरौली के लिए। तो हम आगे आपको बताते रहेंगे, अभी हम सिटी का व्यू देंगे आपको। चलिए अब हम बैरसिया सिटी के अंदर जा रहे हैं धीरे धीरे। अब ये पूर्णिमा जनरल स्टोर पे रुकेंगे 2 मिनट के लिए बस। पूर्णिमा जनरल स्टोर पे लेके चलते हैं आपको, 2 मिनट में आया मैं। पूर्णिमा जनरल स्टोर, बहुत भीड़ रहती है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई साहब की दुकान पर, और पॉइंट पे सारा है हमारा। बहुत ज़्यादा भीड़ है भैया, पॉइंट पे निकाल दो ये इधर से, अंदर से जल्दी से ला के दो मुझे। ये हमारे चाचू आ गए हैं नगर पालिका कमेटी के, अभी बात चल रही है, कुछ ज़रूरी डिस्कस। चाचू यूट्यूब पे डलेगी, टेंशन मत ले। हमारे ये चाचू है, और ये कौन है पीछे? अच्छा जुए को जा रहा है। तो ये अंकल भाई है हमारे, और बॉन्ड स्पेक्स ख़त्म हो गई है, और ये किराए वाली मस्जिद है कलारी चौराहे के पास। अब हम आगे जा रहे हैं पंचर वालों की दुकान पर, देखते हैं किसी की मिल जाए। और मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ है। और धूप का आग से डरी है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कहाँ मिलेगा हमारा बॉन्ड फिक्स। क्या है, हम वॉशिंग मशीन की बेलों वगैरह लगाते हैं तो चिपकाने के लिए काम आता है। और ये रेंज चौराहे आ चुके हैं हम, रेंज चौराहे मंदिर, ये आ चुके हैं हम। धीरे धीरे चल रहे हैं, ट्रैफिक से ज़्यादा तेज है, तो भैया रोड पे चले जा रहे हैं। ये देखिए आप चौराहा, अब यहाँ पर अपन बॉन्ड फिक्स की जुगाड़ करते हैं, बड़ा वाला बॉन्ड फिक्स मिल जाए। My heart won't let it rest, but you यहाँ तो नहीं मिलेगा, छोटी दुकानों पर जाए बेचारे, वो भी उतना ही लाते हैं। और साइकिल वाले के पास चलते हैं, देखते हैं ये साइकिल वाले की दुकान है। कैसे भाई, मैं ये कह रहा था बॉन्ड फिक्स मिल जाएगा, जब पंचर जोड़ने वाला बॉन्ड फिक्स। चलिए देखते हैं, ये हमारे पप्पू भैया बैठे हुए हैं, भाई हमारे बड़े भाई। कैसे हैं जनाब? I need to find, I know it's just so hard to let it go. ये हमारे भाई साहब कितने की है भैया? 20 रुपए। ये 20 रुपए की दी है सुपर मैक्स, और इससे तेज वाली नहीं, अर्जेंट, इससे अर्जेंट। My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. चलिए तो अब हमें मिल चुका है, और अब हम जा रहे हैं। अरे गोविंद जी, गोविंद जी, गोविंद जी, ये जा रहे हैं। हमारे गोविंद जी आ रहे हैं,
माय हार्ट वोंट लेट इट रेस्ट संभाल कर चलाएं ऑटो वगैरह संभाल कर चलाएं ये गोविंद जी हमारे ये मोबाइल गोविंद मंसूरी जी हैं ये मेरा वक्त लिखा हुआ है और बैरसिए में कभी भी कोई आपको कहीं भी जाना है ये इनका मोबाइल नंबर है इस नंबर पर कॉल कर इन्हें बुला सकते हैं बैरसिए के लिए लोकल में ही चलती है बाहर नहीं निकलते बैरसिए के लिए है ये और फोन आ गया था तो फोन के चक्कर में वीडियो रोक दी थी और अब हम धीरे धीरे जो है बस के साइड पर रहे हैं बस स्टैंड साइड बढ़ते बढ़ते हम देख रहे हैं पेट्रोल भी डलवाना है गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलवा कर फिर निकलते हैं हम धीरे धीरे करके निकलते हैं और देखते हैं कि क्योंकि वहाँ पर कितनी देर लग जाए ये पता नहीं है इसलिए अंजल भाई और हम दोनों नाश्ता कर रहे हैं नाश्ता करके फिर शुरुआत करते हैं अपने सफ़र की क्योंकि क्या है अभी हम नाश्ता करके भी नहीं निकले हैं तो भूख लगने लगती है अक्सर अब बस स्टैंड के अंदर पुष्पा जी है उनकी होटल के ऊपर हम नाश्ता करते हैं पुष्पा जी की होटल है ये आ गई नाश्ते की होटल अब हम यहाँ नाश्ता करते हैं और दिखाते हैं एक कचौड़ी चटनी में डाल देता हूँ ऊपर हमारी कचौड़ी तैयार हो गई पुष्पा जी की दुकान है ये बस स्टैंड के अंदर बैरसिया बस स्टैंड के अंदर हमारी कचौड़ी तैयार हमारे भजी है अंजल भाई हमारे कचौड़ी खाते हुए खालो खालो हाँ खालो ये क्रॉसिंग द लाइन फॉलिंग ऑन माय नी नो स्ट्रेंजर हो गया है और नाश्ता करके अब हम निकले हैं बैरसिए से नवाबी के लिए भूख भी लग रही थी तो हमने कहा पहले नाश्ता वगैरह कर ले उसके बाद आगे निकले तो अभी भैरवगढ़ रोड पे हम घुसी आए हैं क्योंकि हम शॉर्टकट रास्ते से ही जा रहे हैं किलोमीटर ज़्यादा पड़ेगा तो धीरे धीरे और अंजल भाई हमारे साथ हैं ये आम के पेड़ बड़े खूबसूरती से लगाए हैं यहाँ पर चिकन गेड़ी में भी एक कपड़े का अच्छा सा शोरूम बना है दुकान वगैरह बनी है यहाँ पर ये देखिए आप बीच जंगल में बहुत खूबसूरत मकान बना हुआ है अंजल भाई मुझे ऐसा लग रहा है
जैकेट आप पहन के नहीं आए If I let go of this rage, am I complacently betrayed? कैमरे के ऊपर धूप पड़ रही है तो वीडियो सही से बन नहीं पा रहा है, फिर भी हम कोशिश करेंगे आप लोगों को दिखाने की। क्या कहते हो? It's hard. और हम धीरे धीरे गाँव में एंटर हो रहे हैं और यहाँ से कुकरिया भी एक रोड गया हुआ है। ये देखिए आप, छोटे से बच्चे हैं खेल रहे हैं और इधर जो है मकान बना हुआ है और यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं गांव में और ओमनी बहुत स्पीड में आ रही है। ये दो बच्चे साइकिल से जा रहे हैं छोटे छोटे से। क्यों बेटा, क्या हो गया? पंचर हो गई। ये छोटे छोटे से बच्चे हैं, पंचर हो गई ये साइकिल और ये जा रहे हैं बच्चे पैदल जा रहे हैं। आराम आराम से निकल जाओ संभाल के। तो ये रोड क्या है कि गिट्टी वगैरह होती है तो रोड पे टायर में लग जाती है, इस चक्कर में भी गाड़ी पंचर हो जाती है। ये तरावली आ गए हैं हम और तरावली से आगे धमर्रा है, हमें धमर्रा के आगे जाना है। पीछे वाला हिस्सा है तरावली मंदिर का, पीछे वाला हिस्सा है और इधर से जो है सीधे निकल जाएंगे और इधर ये तरावली मंदिर का हिस्सा है, ऊपर मंदिर साइड जाते हैं, ये देख सकते हैं आप। और ये ग्राउंड है, खाना वगैरह होता है यहाँ पर और ये बकरा बकरी सामने आ रहे हैं, मजी लेके आ रही है। आराम आराम से चले भाई सब लोग। अंदर बाउंड्री कर दी है, आराम से चले भाई, आराम आराम से। हाँ फिर we'll be right back.
चलाते हुए जा रहे हैं गाड़ी, तो अगर बच्चे वगैरह चलते हैं तो इस चक्कर में आराम आराम से ही चलेंगे हम। भैंस को ले आए हैं और हमें जाना है वो लेफ्ट हैंड पर जाना है हमें, क्योंकि हमारी डेस्टिनेशन वही है। लेफ्ट हैंड पर गाड़ी मुड़ेगी और ये निकल गए आराम से। ये क्या है, कार वाले और बाइक वाले रात रात आराम से चल रहे हैं। यहाँ पर रास्ता बहुत खराब है, यहाँ का जो रास्ता है बहुत ज्यादा गाड़ी निकलती है। सरपंच साहब, सरपंच साहब हमें लेकर आए। तो अभी हम वापस मुड़कर सरपंच साहब ने बुलवा लिया था तो उनके पास गए थे, और जो है कि अब हम मुलाकात करके निकल रहे हैं ओके यहाँ से। तो ये रोड समर्रा के लिए निकल गया है, ये खंडर गांव में गया है और हमें इधर से जाना है। ये गांव में चला गया और हम इधर अब यहाँ से थोड़े आगे जाएंगे, वहाँ से राइट टर्न आएगा तो हमें वहाँ पर जाना है। कुत्ता पीछे पड़ गया था हमारे, तो ये बकरा बकरी चल रहे हैं यहाँ पर और हमारे ये भैया चला रहे हैं छोटे वाले भाई। ये देखो आप भाई साहब, यहाँ पर मतलब साइड का काम करने में ये फायदा है कि सब जगह घूम फिर लेते हैं, और जो चीज़ जगहें नहीं देखी हैं तो वो भी जगहें भी हम ये वॉशिंग मशीन रिपेयर करते करते घूम ही आते हैं। तो हमने कहा कि जब हम जा ही रहे हैं
से ही घूम लो। और ये बर्री गुजर हम आज में है, ये देख लीजिए। हाँ, बर्री गुजर ही है वो। और अब हम भैया को फोन लगाएंगे कि भाई साहब वहाँ पे हो। तो दो मिनट के लिए हम वीडियो रोकते हैं। तो भैया से हमारी बात हो गई है। भैया ने कहा है कि जो पहला मकान पड़ेगा वही मेरा मकान है। तो चलिए हम भैया के मकान पर पहुंचते हैं और भैया से मुलाकात करते हैं कि भैया कहाँ पे हैं। तो हमारी बात हो गई है और भैया ने कहा है पहला मकान यही है, हम इसमें घुस जाते हैं। सुधार के फिर निकलते हैं, ठीक है, ओके।